हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेउज़ व्लॉग। आई एम रेउ। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लोफर 50 टैबलेट के बारे में। क्लोफर 50 टैबलेट फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए दी जाने वाली टैबलेट है। आज की वीडियो उन महिलाओं के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है जो PCOS से पीड़ित है और उसके चलते प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं अपने चैनल पर PCOS रिलेटेड वीडियोज़, इनफर्टिलिटी रिलेटेड वीडियोज़ एंड अपनी टीडी जर्नी के अपडेट्स के वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप वो वीडियो देख पाएँ। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। डॉक्टर ने मेरी TTC जर्नी की शुरुआत ही क्लोफर 50 टैबलेट्स से की थी, जो कि मुझे डॉक्टर ने 5 टैबलेट्स दिए थे अपने पीरियड के सेकेंड डे से। नेक्स्ट 5 डेज तक मुझे टैबलेट लेनी थी दोपहर के खाने के बाद। उसके कुछ ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट्स मुझे दिखाई दिए थे, जैसे सिर में दर्द रहना और ब्लोटिंग वगैरह। जब आपको डॉक्टर ये टैबलेट्स देते हैं तो इसके 3 राउंड्स होते हैं। 3 महीने तक डॉक्टर आपके ऊपर ये इस टैबलेट की ट्रीटमेंट करते हैं। बट डॉक्टर ने मुझे सेकेंड मंथ के लिए लेट्रोजोल दिया था, क्लोफर 50 नहीं दिया था। अगर आप उसके अपडेट्स के वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो के स्क्रीन में जो प्लेलिस्ट है TTC जर्नी के अपडेट्स के ऊपर, वो आप देख सकते हैं। आज हम क्लोफर 50 टैबलेट्स के यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में ही जानने वाले हैं। क्लोफर 50 टैबलेट फीमेल इनफर्टिलिटी में दी जाने वाली दवा है। इस दवा का उपयोग उन महिलाओं के लिए किया जाता है जो ओवुलेशन संबंधी समस्याएं, PCOS से पीड़ित होने के कारण गर्भधारण करने में असमर्थ है। क्लोफर 50 टैबलेट भोजन के बाद आपको लेनी है और अधिकतम लाभ के लिए आपको नियमित रूप से उसी समय पर टैबलेट लेनी चाहिए। कितने डोजेस लेने हैं, आपको उसकी कितनी ज़रूरत है, ये उस बात पर निर्धारित होता है कि आप इसे किस कारणवश ले रहे हैं। आपको कितने डोजेस लेने हैं, आपको गोलियां कितनी लेनी है, ये सब आपके डॉक्टर पर निर्भर है, वही तय करते हैं। इस दवा के सबसे आम साइड इफ़ेक्ट्स हैं नौजिया, वोमिटिंग, ब्लोटिंग, सिर में दर्द रहना, हॉट फ्लैशेस, ये सब शामिल है। अगर आप इस सिम्टम्स से परेशान हैं या फिर सिम्टम्स गंभीर होते जा रहे हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ओवरी ओवर स्टिमुलेशन, जैसे पेल्विक दर्द, पेट में दर्द रहना, सांस लेने में दिक्कत, वज़न बढ़ना और नज़र का धुंधलापन, इस तरह के गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स अगर आपको दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए। इस दवा के अधिकांश साइड इफ़ेक्ट में डॉक्टर की कोई भी सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही आप नियमित रूप से टैबलेट्स लेते हैं तो इसके इस्तेमाल के साथ साथ इसके साइड इफ़ेक्ट भी अपने आप ही समाप्त होने लगते हैं। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट बने रहते हैं या फिर ज़्यादा बिगड़ते हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा, साइड इफ़ेक्ट में नौजिया होना, वोमिटिंग होना, ब्लोटिंग होना, सिर में दर्द रहना, अनियमित महावारी होना, हॉट फ्लैशेस होना, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट होना, ये कई सारे साइड इफ़ेक्ट आपको दिखाई दे सकते हैं। इस दवा को लेने से पहले अगर आपको प्रारंभिक मेनोपॉज या अंडाशय में फाइब्रॉइड, अंडाशय में सूजन है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए। साथ ही में अगर आप कोई और टैबलेट ले रहे हैं पहले से ही तो उसके बारे में भी आपके डॉक्टर को पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन टैबलेट के साथ अगर आप ये टैबलेट्स लेते हैं तो उसका प्रभाव कम होने लगता है, उसके काम करने के तरीके में बदलाव आ सकता है। क्लोफर 50 टैबलेट महिलाओं के अंडाशय में अंडे के सामान्य विकास में मदद करती है, स्वस्थ और परिपक्व अंडे बनाने में मदद करती है, महिलाओं को इनफर्टिलिटी में मदद करती है और इसके इस्तेमाल से गर्भधारण की क्षमता बढ़ जाती है, गर्भधारण करने में मदद करती है। इस टैबलेट को उन महिलाओं में दिया जाता है जो ओवुलेशन संबंधी समस्याएं, पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम का इलाज करवा रही हैं। आपको इस दवाई का उपयोग डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक और अवधि में ही करना चाहिए। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।